सर सारा देश चुनाव के माहौल में क्या कहना चाहेंगे, परिवर्तन कितना जरूरी है और किस तरह का परिवर्तन देखना चाहते हैं आप? परिवर्तन बोले देश का जो चीफ जस्टिस है वो रो रहा है, देश का जो है पुलिस वाले रो रहे हैं, देश की महिलाएं रो रही है, देश का व्यापारी रो रहा है। मुझे ख्याल से हंसता हुआ अगर कोई दिख रहा है तो वो प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, बाकी सब तो रो रहा है। अगर बाकी सबको हंसना है तो वो रो, जो पहले से हंस रहा है उसको कहीं ना कहीं उठा के बाबा वापस भेजना पड़ेगा जहाँ से वो आया था। चुनावी दौर में तो मुझे लगता है देश की जनता का पलड़ा भारी है, तंग आ चुके हैं देश और बदलाव चाहती है और बदलाव जरूर होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। बदलाव कौन सी पार्टी लाएगी? बदलाव कांग्रेस ही लाएगी, और कौन लाएगा? देश को आज़ाद अगर कांग्रेस ने कराया है तो बदलाव भी कांग्रेस लाएगी। GST भी कम हो जाएगा, रफाइल के अंदर जो चोर लोग हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, जो अपने आप को बहुत साफ बताते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़े चोर है, दिख के आएगा आपके सामने। देखिए पूरे देश में जो मीडिया जिस तरीके से उन्होंने हैक करके रखा हुआ है, लगभग आधे से ज़्यादा मीडिया को जो है बोलने का अधिकार नहीं है, देश को बोलने का अधिकार नहीं है, मन की बातें सुनने की जबरदस्ती जो है स्लीपिंग डोज दी जा रही है, इससे जो है देश बाहर आना चाहता है। सर अभी तक गोपाल शेट्टी जी आ रहे थे, अभी उर्मिला मातोंडकर जी आएंगी क्या? उर्मिला मातोंडकर ही आएगी, गोपाल जी का टाइम हो गया मेरे ख्याल से। उर्मिला मातोंडकर ही आएगी, गोपाल जी का टाइम हो गया मेरे ख्याल से।